Yo guys, welcome back to another reaction video. So joined by Sumi, second in the link in the description. Please follow Instagram screen. Please follow. और आज हम जिस वीडियो रेट करने वाले हैं चार से अब ज़्यादा सेकंड पार्ट वन ऑफ द मूवी सीन. ओके सो सजेस्ट किया गाइस आपने कमेंट्स में, थैंक्स. और आप और सजेस्ट करते हो लिंक डाल के कमेंट सेक्शन में. सो बेसिकली ठीक है, जितना मुझे समझ आ रहा है सीन के बारे में बाय टाइटल, तो दिस इज रिगार्डिंग जब उन चार से अफजादों की सॉरी उनका नाम नहीं पता, उनकी मॉम जब गुरु गोविंद सिंह से मिलते हैं तब का वो सीन है. ओके वो अपने उनको लगता है कि उनके बेटे अभी हैं उनके साथ, बट उनको पता नहीं चमकौर साहब में बैटल हुआ था और वजीर खान ने उनको दीवार में जाना था. उनको इसका आइडिया था. सो लेट्स वॉच दिस सीन. ओके सो या लेट्स स्टार्ट. गुरु साहब ने कहा उठ भी जाओ, अब आने जाने मिलने बिछड़ने के साथ ही निरंकार की दुनिया चलती है. भाग में लिखा जीव आत्मा को भोगना पड़ता है. संजोग विजोग दो एकार चलावे लेके आवे भाग. माता जी कहीं नजर नहीं आ रहे? निरंकार की रजा में खड़े गुरु साहब ने कहा, पर मैं तो माता को भी देख रहा हूँ और बच्चों को भी. कहाँ है? गुरु साहब ने कहा मेरे सामने माता जी भी हैं और ये बच्चे भी हैं. जी मैं अपने बच्चों के बारे में पूछ रही हूँ. गुरु साहब ने कहा मैंने भी बेगानों की तरफ इशारा नहीं किया. जी मैं माता जी और चारों साहिबजादों के बारे में पूछ रही हूँ. गुरु साहब ने कहा इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत गई हला. मर गई माँ की कहर टह गया जो काल जै जो कोई रुग भर के ले गया है. माँ वार वार बेखे करके हजार जेरा पुत्रा बगैर दिसदा सारा जहां सिंह से कहा बच्चों की माता से कहो उनको अपने बच्चों की शहादत पर आंसू बहाने का पूरा हक है, लेकिन अपने चारों पुत्रों के साथ साथ उन हजारों की कुर्बानियों को भी शामिल कर लें जिन्होंने हमारे एक इशारे पर दुश्मन की तलवारों के नीचे अपने सर रख दिए. वक्त गवाह है, जब जब भी चमकौर की गढ़ी का दरवाजा खुला मेरे 5 सिंह दुश्मन का सामना करते हुए शहीद हो गए. फिर क्या हुआ अगर उनमें मेरे बेटे भी थे? क्या मैं अपने बेटों का शोक मनाऊं और बाकी सबको भूल जाऊंगी? हरगिज नहीं. ये बेइंसाफी मैंने न कभी अपने खालसे के साथ की है और ना ही कभी करूंगा. माता जी चूरमा तैयार है.
मैंने तो चारों के लिए झूला बनवाया था, आपने तो मेरी झोली इन सब से भर दी। इन सभी में बांट दो। नजारे बैठे हजार हो के गोविंद दलाल चारे पुत्राज खाल से विच ना फर्क है ना दूरी हजार साहबजादे ए चार साहबजादे ओके गाइस प्लीज डोंट जज मी यार मैंने आई थिंक मैं फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं मेरा ओके गाइस डोंट जज मी माई ओके सो दिस इज द सीन सो लाइक डैम इमोशनल ना यार सीरियसली और ये तो है हिंदी में लाइक मैंने तो पंजाबी में देखी है प्रॉपर लाइक माय मदर टंग और आई कैन फील सीरियसली आई कैन टोटली फील द पेन सो या सो ये दिस इज द वन ऑफ द पार्ट लाइक इसमें और भी एक्ट करेंगे अगर आप चाहते हो ओके लाइक पर्सनली ज्यादा इमोशनल पार्ट वो था जब वो बोलती हैं कि मैं उनके लिए चोरी बना के लाई थी और फिर वो मतलब मुझे बहुत ऐसा लग रहा है अजीब सब मैंने कैमरे के आगे मेरी आंखें में ओके लाइक गाइस प्लीज डोंट जज मी ओके सो या करते नेक्स्ट वीडियो रिएक्ट ओके सो इसके इस मूवी के और पार्ट्स करेंगे बिकॉज लाइक सीरियसली बाकी वीडियोज में इतना एंजॉय नहीं करता लाइक बेसिकली जितनी वीडियो मैं इनकी देखना एंजॉय करता हूँ बिकॉज लाइक दिस टू मूवीज ना इनके दो पार्ट दोनों ही अलग लेवल हैं ट्रस्ट मी यू शुड वॉच यार इंग्लिश में देख ले अगर पंजाबी नहीं आती है फिर हिंदी में यू वांट टू लव इट प्लीज अगर आप सबको देखना है अगर आप कोई मेरे चैनल अगर स्पेशली मोस्टली सबने देखी है सीखने तो अगर कोई और रिलीजन का बंदा मेरे चैनल को देख रहा है या फिर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज आपको सर्च करूंगा इसका फर्स्ट पार्ट तो आई थिंक नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है सेकंड पार्ट इनका यूट्यूब पे अवेलेबल है बाय करके रेंट करके बहुत सस्ता है 25 से 50 रुपए के आसपास है आप उसको देख सकते हो ट्रस्ट मी गाइस यू गोना लव दिस मूवी ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग मूवी सो या बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट अ मूवी ये रियल स्टोरी पे बनाई है तो ऑब्वियसली आप यू कैन रिलेट सो यार मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको तो आप देखो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय सी यू